दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, कैसा गुजरता होगा उस बच्चे का बचपन जिसके सर पर पिता का साया नहीं हो। बचपन में बाप के कंधे पर बैठकर एक बच्चा दुनिया को देखता है। खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई, बाहरी जीवन का मार्गदर्शन अपने बच्चे के लिए एक पिता ही करता है। बाप की उंगली पकड़कर बच्चा चलना सीखता है। हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, माँ बाप का साथ और आशीर्वाद हमें सारी कठिनाइयों को पार करने का हौसला देता है। बचपन से जब एक बच्चा क्रिकेट जैसे खेल में प्रोफेशनल करियर बनाने की सोचता है तो मानसिक तौर पर उसे माँ और खास तौर पर अपने पिता के सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन न्यूजीलैंड के इस क्रिकेटर को बचपन में अपने पिता के बारे में पता ही नहीं था। पिता का साथ, प्यार, दुलार और मार्गदर्शन के बिना ही इस खिलाड़ी ने क्रिकेट जैसे खेल में करियर बनाने की ठान ली और अपनी माँ के साथ क्रिकेट के गलियारों में निकल पड़ा। एक सिंगल मदर के लिए अपने बच्चे को पालना पोषना और उसके सपनों में साथ देना काफी मुश्किलों से भरा होता है। माँ बेटे की इस जोड़ी ने कड़े हालातों का सामना करते हुए अपना सपना पूरा कर दिखाया। जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए इस खिलाड़ी ने विश्व क्रिकेट में कई कीर्तिमान हासिल किए और इस खिलाड़ी की गिनती क्रिकेट जगत के बेहतरीन बल्लेबाजों और सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में होती है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इस क्रिकेटर ने कोच के रूप में कई झंडे गाड़े। आईपीएल के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पीछे इसी इंसान का हाथ है। एक सफल बल्लेबाज, महान कप्तान और बेमिसाल कोच के रूप में आज दुनिया इन्हें जानती है। किसने सोचा था कि पिता के प्यार और साथ को तरसा ये खिलाड़ी एक दिन विश्व क्रिकेट में इतना नाम कमाएगा। हीरोजा वर्ल्ड क्रिकेट की इस खास श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कीवी लीजेंड स्टीफन फ्लेमिंग की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। स्टीफन फ्लेमिंग आज विश्व क्रिकेट के नामचीन चेहरों में से एक है। उनकी लाइफ स्टोरी काफी हद तक सुपरहिट मूवी KGF से मिलती जुलती है। KGF फिल्म में जैसे रॉकी की माँ उन्हें अकेले संभालती है, उनका साथ देती है, ठीक उसी तरह फ्लेमिंग की माँ ने भी एक सिंगल मदर के रूप में उनका पालन पोषण किया। माँ चाहे भारतीय हो या विदेशी, पहनावा और रहन सहन चाहे अलग हो, लेकिन ममता और जज्बात दोनों के एक जैसे होते हैं। फ्लेमिंग की माँ पॉलिन उनका सपोर्ट सिस्टम बनी। डटकर उन्होंने अपने बेटे के सपनों में उसका साथ दिया। फ्लेमिंग ने अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, जिसका श्रेय उनकी माँ को जाता है। दोस्तों, स्टीफन फ्लेमिंग का जन्म 1 अप्रैल 1973 में न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हुआ। फ्लेमिंग का पूरा नाम स्टीफन पॉल फ्लेमिंग है। जैसा कि हमने आपको बताया, इनकी माँ पॉलिन एक सिंगल मदर रही। उनके पिता का नाम गैरी किर्क है। 16 की उम्र में पहली बार फ्लेमिंग अपने पिता से मिले। हालांकि उनके पिता किर्क उनकी माँ के साथ कॉन्टेक्ट में थे और समय समय पर फ्लेमिंग के बारे में जानकारी लेते रहते थे। बचपन से क्रिकेट के साथ फ्लेमिंग और रग्बी भी खेला करते थे। स्कूल के दौरान उनका रुझान क्रिकेट की ओर बढ़ा और उन्होंने इसमें अपना करियर बनाने का फैसला किया। फ्लेमिंग और उनके पिता किर्क ने सीनियर लेवल तक रग्बी खेला और कश्मीरी हाई फर्स्ट फाइव में टीम की कप्तानी भी की। जूनियर लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर उन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। साल 1994 में अपने डेब्यू टेस्ट मुकाबले में उन्होंने धमाकेदार स्टाइल में क्रिकेट के इस लोकप्रिय खेल में पदार्पण किया। अपने डेब्यू टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाफ 92 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई। उनके पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें न्यूजीलैंड के लिए वनडे क्रिकेट खेलने का भी मौका मिला। उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। टेस्ट और वनडे टीम में उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली, लेकिन फिर उनसे एक बड़ी गलती हो गई और उनका करियर दांव पर लग गया। साल 1995 में उन्हें साथी खिलाड़ी मैथ्यू हार्ट और ड्वेन नैश के साथ होटल में मारिजुआना का नशा करने के मामले में दोषी पाया गया। यह ऐसा समय था जब फ्लेमिंग को लगा कि अब उनका करियर खत्म हो गया है। इतनी मेहनत से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जगह बनाने के बाद वापस से जीरो से शुरू करने का डर उन्हें सताने लगा था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्लेमिंग और हार्ट ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और तीनों खिलाड़ियों पर जुर्माना लगा। फ्लेमिंग ने बताया कि इस कंट्रोवर्सी के चलते स्पॉन्सरशिप खोने की वजह से उनका लाखों का नुकसान हुआ। अपनी गलती से सीखकर फ्लेमिंग आगे बढ़े और फिर उन्होंने कभी पलटकर नहीं देखा। 1 अक्टूबर 1994 न्यूजीलैंड के सामने थी टीम इंडिया। पहले बल्लेबाजी कर रही की भी टीम मुश्किलों में थी जब अगल श्रीनाथ ने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर की गिल्लियां बिखेर दी थी। 60 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 3 विकेट गिर चुके थे। फिर बल्लेबाजी करने आए स्टीफन फ्लेमिंग। अपना पहला वनडे मैच खेलकर फ्लेमिंग ने टीम को मुश्किलों से निकाला और शानदार अंदाज में 90 रनों की पारी खेली। शेन थॉम्सन के साथ मिलकर उन्होंने 5वें विकेट के लिए 144 रन जोड़े और मुश्किलों से अपनी टीम को उबारते हुए सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत को जीत के लिए 241 रनों की जरूरत थी। किवी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया और लक्ष्य डिफेंड करने में सफल रहे। टीम इंडिया के खिलाफ इस जीत के हीरो रहे स्टीफन फ्लेमिंग। उन्होंने किलर अंदाज में एक दिवसीय क्रिकेट में एंट्री ली। 1996-97 इंग्लैंड के न्यूजीलैंड दौरे पर उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला टेस्ट शतक जमाया। ऑकलैंड के अपने घरेलू मैदान पर घरेलू क्राउड के सामने उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेली। इस सीरीज के तीसरे टेस्ट में ली जर्मन की कप्तानी छोड़ने के बाद उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया। 23 साल की उम्र में वो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले सबसे युवा कप्तान बने। अपने बल्लेबाजी में और ज्यादा सुधार करने के लिए साल 2001 में उन्होंने काउंटी मिडिलसेक्स की ओर से क्रिकेट खेला, जहां उन्होंने अपने 50ों को शतक में तब्दील करने का हुनर सीखा। साल 2003 जोहान्सबर्ग स्टीफन फ्लेमिंग के वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी। ICC वनडे वर्ल्ड कप 2003 साउथ अफ्रीका में हो रहे विश्व कप में अफ्रीकी टीम को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। हेस्टल ग्रिप्स के शतकीय पारी की बदौलत
साउथ अफ्रीका ने स्कोरबोर्ड पर 306 रन लगा दिए थे। उस समय 300 से अधिक रनों का टारगेट बहुत कठिन माना जाता था, और जब आपके सामने शॉन पोलाक, मैक एंटनी और एलन डोनाल्ड जैसे गेंदबाजी आक्रमण हो तो चेस करना और भी मुश्किल हो जाता है। इतने खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ स्टीवन फ्लेमिंग ने 134 रन नाबाद बनाकर साउथ अफ्रीका के खिताबी जीत का सपना चकनाचूर कर दिया। न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। साल था 2003 और मैदान था कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड। कोलंबो के टर्निंग विकेट पर न्यूजीलैंड से कुछ खास उम्मीदें नहीं थी, लेकिन कठिन पिच पर मुश्किल हालत में फ्लेमिंग ने धमाकेदार अंदाज में दोहरा शतक जड़ दिया। फ्लेमिंग की 274 रनों की पारी की मदद से किवी टीम ने 515 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। दूसरी पारी में भी उन्होंने 68 की पारी खेली और यह मुकाबला ड्रॉ हो गया। इस पारी के बाद हैमिल्टन में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शानदार 192 रन बनाए। साल 2004 में उन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। 26 अक्टूबर 2004 ये तारीख फ्लेमिंग के जहन में आज तक बसी हुई है। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 3 बड़े रिकॉर्ड पे नाम किए। सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले वे पहले किवी खिलाड़ी बने, यानी कि 87 टेस्ट। न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट में 150 पारी खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने। 81 रनों पर पहुंचते ही वो माउंटेन क्रो को पीछे छोड़ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। अप्रैल 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ फ्लेमिंग ने अपने टेस्ट करियर का तीसरा दोहरा शतक जड़ दिया। जेन फ्रैंकलिन के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 256 रन जोड़ डाले। 8वें विकेट के लिए न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। साल 2007 टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। 39.22 की औसत से उन्होंने 353 रन बनाए और न्यूजीलैंड के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 4 गेंद में 1 रन बनाया। उनके खराब प्रदर्शन के चलते उनकी टीम मैच हार गई और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। 24 अप्रैल 2007 को सेमीफाइनल में हार के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। कप्तान के तौर पर फ्लेमिंग के आखिरी मैच में उन्होंने ट्रिब्यूट देते हुए श्रीलंकाई कप्तान महिला जयवर्धने ने कहा था कि स्टीफन न्यूजीलैंड के लिए अच्छे लीडर साबित हुए, आप उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। सितंबर 2007 में उन्होंने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत से पहले ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। मई 2007 में उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर केली पेन से शादी कर ली। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में वो चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए नजर आए। साल 2009 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और उन्हें सीएसके का हेड कोच बनाया गया। उनके कोचिंग कार्यकाल में सीएसके ने 4 बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। फिलहाल वो चेन्नई सुपर किंग्स के कोच पद पर बने हुए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्टीफन फ्लेमिंग विश्व क्रिकेट में अपनी स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव और कट शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। स्टीफन फ्लेमिंग और चेन्नई सुपर किंग को एक साथ देखकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।